तो गाइज फिर से लेकर आ गए हैं स्वामी विवेकानंद जी के पुण्यतिथि का पोस्टर, जो कि आप लोग देख सकते हो। अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से डिज़ाइन करना चाहते हो इजीली कर सकते हो, क्योंकि मैं इस भी पोस्टर का कॉल PNG बैकग्राउंड एंड PLP फाइल दे दूंगा, ठीक है ना, जिसकी मदद से आप आसानी से डिज़ाइन कर सकते हो। सो गाइज सबसे पहले यहाँ पे हम दिखा दें कि आपको क्या क्या फाइल में मिलेगा। तो गाइज सबसे पहले तो यहाँ पे ऑल PNG बैकग्राउंड देख सकते हो मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे PLP फाइल है जो कि पूरा फुल एडिट आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक बना बना सा टेम्पलेट भी दे देते हैं जहाँ पे अपना फोटो नाम अगर लगाना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो ये सब कर सकते हो। सो गाइज सबसे पहले अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले पिक्चर लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं पिक्चर लैब को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद देख सकते हैं बिल्कुल न्यू इंटरफेस में मैं ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे गाइज अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना जिसमें PNG PLP फाइल एंड बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो गाइस जिप फाइल डाउनलोड करना काफ़ी इजी है, सिंपली से आपको क्या करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं जिप फाइल डाउनलोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको साइट पे जाना है। साइट पे जाने के बाद गाइस इसका पोस्टर आपको अच्छा से देख लेना है, ठीक है ना। इसी पोस्टर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस पोस्टर का पोस्ट ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा नीचे आने के बाद आपको इस तरह से एक डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस इस तरह से बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर टाइमर वगैरह चलेगा, तो आप लोग थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा। वेट करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड नाम का इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पे क्लिक करके आपको जीप फाइल इजीली डाउनलोड कर लेना है। एंड गाइज जब जी फाइल को डाउनलोड करोगे तो उसको ओपन करोगे तो उस पर पासवर्ड भी पूछा जाएगा, ठीक है ना, जो कि पासवर्ड आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप लोग देख सकते हो पासवर्ड। सो गाइज तो चलिए हम जानते हैं कि इसमें आप पूरा फुल एडिटेबल कैसे कर सकते हो। तो गाइज आपको PLP फाइल वगैरह ऐड कर लेना है, ठीक है ना। फिलहाल मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के लिए ऊपर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ओपन PLP फाइल वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर क्लिक कर बैक बटन से बैक कर लूँगा। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं PLP फाइल इसमें ऐड एंड ओपन हो चुका है। अगर आपको ऐड PLP फाइल करने नहीं आता, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ओपन करना है और यहाँ पे PLP फाइल ऐड करना सीखे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके आप जो है PLP फाइल ऐड करना सीख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद गाइज यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसमें पूरा फुल एडिट कर सकते हो। सो गाइज जो हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे और भी कुछ लिखना चाहते हो तो इजीली ही लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको लिखने के लिए जो हम फॉन्ट यूज किए हैं कुरुतिदो का फॉन्ट, जिसका इंडियन फोन कंप्यूटर अप्लीकेशन से निकाल सकते हो, यूनिकोड निकाल। और कुरुतिदो अगर फॉन्ट और भी चाहिए और लिखना सीखना चाहते हो अच्छा से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कुरुतिदो फॉन्ट का आप देखकर सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जी की पुण्यतिथि पर सशस्त प्रणाम, ये भी हम लिखे जो उसी फॉन्ट में है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में से आप फोन डाउनलोड कर सकते हो, लिख सकते हो, मैंने पूरा फोन दिया हूं कुरुतिदेव का। उसके बाद गए यहाँ पे जो दिनेश लाल यादव निरहुआ लिखा है, दिनेश लाल यादव निरहुआ, ओके। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हो तो इसका यूनिकोड वगैरह नहीं निकालना है, ठीक है ना। सिंपली से इसको सेलेक्ट करके ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इजीली ही चेंज कर सकते हो। देख सकते हो जो भी अपना नाम है इस तरह से आपको कट करके लिख लीजिएगा और यहाँ से ओके कीजिएगा तो चेंज कर, फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद गए यहाँ पे जो सिंपली सा यहाँ पे अपने यूजर नेम दे देना है, उसी तरह से ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे और एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना यूजर नेम लिख लीजिएगा, ठीक है। और गए आपको व्हाट्सअप नंबर इसमें हम नहीं दिए क्योंकि हर एक में देते हैं, इसमें नहीं दिया। अगर आपको व्हाट्सअप नंबर वगैरह ये सब फूटर में चाहिए तो आप जाकर दूसरा वीडियो देख सकते हो, बहुत सारा हमने वीडियो बना चुका है स्वामी विवेकानंद जी के पुण्यतिथि पर, ठीक है। तो उस वीडियो को देखकर आप दूसरा भी पोस्टर डिजाइन कर सकते हो अगर आपको ये अच्छा न लगे तो, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे अपना फोटो सेलेक्ट करने के लिए इस फोटो को इस तरह से सेलेक्ट करके ऊपर डिलीट ऑप्शन से ओके करके डिलीट कर देना है यहाँ से, ठीक है। और अपना फोटो यहाँ पे गैलरी में से सेलेक्ट कर लीजिएगा PNG। उसके लिए इस बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्ट आपको गैलरी में चले जाना है और वहाँ से अपना PNG फोटो सेलेक्ट कर लेना है। अगर अपना फोटो को PNG बनाने नहीं आता तो उस पर भी मैं वीडियो बना दी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फाइनली इसको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको अल्ट्रा सेलेक्ट करके शेव और सेव टू गैलरी में जैसे क्लिक करोगे आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी।